रोहतास कहने लगे आप पानी पीने की बात कर रहे हो, हम तो पानी को देख भी नहीं सकते हैं। कह रोए कह रोए तने जाव दयो, हे ब्राह्मण आप तो ज्ञानी है, पानी की हमें जरूरत ना है, हम खुद ही पानी पानी है, हम आपके पानी को नहीं पी सकते। बोले अरे एक भी इसमें से मर गया तो हमारा 20 भाग सोना कम हो जाएगा, है पानी पी लो हमारा 60 बार सोना मिल जाए, फिर मरो चाहे जिंदा रहो हमें कोई मतलब ना। चलो आज फिर आगे चल दिए हैं, धीरे धीरे महाराज जब आगे बढ़े हैं, राजन परिषद धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो काशी नगरिया में पहुंचे हैं। अब महाराज काशी के लोगों ने देखा कि एक महात्मा जी आए हुए हैं, तो आज महात्मा जी को देखने के लिए काफी भीड़ लग जाती है। अब देखा ये कैसे महात्मा है जो तीन प्राणियों को बेचने के लिए आए हैं। अब महात्मा जी को देख रहे हैं काशी के लोग और मन ही मन विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या कि बजरिया में भोली बोल है कैसा मेहमान रे, बजरिया में भोली बोल को विचार कर रहे कैसे महात्मा है जो तीन प्राणियों को बेचने के लिए आए हैं। अब इधर विश्वामित्र आवाज लगा रहे काशी नगरिया में, अरे तीन प्राणी हैं, कोई ज्यादा है भी नहीं और ज्यादा कीमत भी नहीं है, थोड़ी सी कीमत है 20-20 बार सोना। अब काफी भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जाती है, तुम्हारा सबसे पहले एक वैश्य आई और जैसे ही वैश्या ने देखा तो पूछा ये बताइए इस स्त्री की कीमत क्या है, बोले 20 बार सोना। तारा ने कहा आप हमें किसी और के हाथों बेच दीजिए, लेकिन आप हमें एक वैश्या के हाथों मत बेचिए। कहा कि हमें तो बेचना है और इतनी धर्म की पड़ी हुई थी तो वही पड़ी रहती है, अरे हमारे साथ क्यों आई, देखा अब हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, हमारी लाज बचाने वाला कोई नहीं है, तो भगवान के लिए आवाज लगाई है हे दीन बंधु दीनाना, अरे गुरु नानक संतों के पालक, अरे पृथ्वी के मालिक, सीता
महाराज आवाज लगाई है तो पांच उस वैश्या पर टूट पड़ते हैं, वैश्या वहां से भाग जाती है। अब इधर सुबह से शाम हो गई है, विश्वामित्र को आवाज लगाते लगाते लोग आते, कीमत पूछते हैं, लौट जाते। विश्वामित्र ने विचार किया, कोई लेने के लिए नहीं आ रहा है, क्या बात है? जब काफी देर हो जाती है तो ब्राह्मण ब्राह्मणी पास पहुंच गए, कहा कि ये बताइए इस स्त्री और बच्चे की कीमत क्या है? बोले 40 भार सोना। बोले ठीक है, आज 40 भार सोना।